आज हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, टू पैरेलल वायर्स की बात करेंगे हम, बेसिकली टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। अगर हमारे पास दो, यहां देखिए, एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसमें करंट कितना आ रहा है I, दूसरी वायर है उसमें करंट कितना आ रहा है I2, दे आर इन वैक्यूम और विल से दे आर प्लेस इन वैक्यूम, और वो कहा है आप एयर लेंगे। दो वायर से बीच में कितना सेपरेशन होगी, आर हो गई, एक में करंट कितना आ रहा है आई वन, दूसरे में कितना आ रहा है आई टू। अब क्या होगा, देखिए हमने पढ़ा है कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। साहब देखिए इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर इस साइड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ बाहर की तरफ आएगा, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, देखिए इस तरफ आएगा ना, तो यहां देखना आपने, इस साइड देखना है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड। तो इस जगह पर हम देखें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के इस तरफ होगा, दैट मींस यहां मैग्नेटिक फील्ड बी वन आ जाएगा। बी वन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन। अब क्या हो गया कि ये जो वायर सेकेंड वायर है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, पहले के मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम क्या कहेंगे, हियर द सेकेंड वायर, सेकेंड वायर, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास वायर कितनी आ गई, ये बी आ गई, ये आ गई, है ना, या लेट्स से हम इसको वन एंड टू लिख लें, ये वन है ये टू है, वायर टू इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन, तो दूसरी वायर जो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है। और हमने पढ़ा है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, राइट। तो इस वायर के ऊपर इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, और अगर इसमें करंट आ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, देखो अब हमने कहां देखना है, यहां, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेकेंड वायर का, वो भी बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो यहां सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। अब देखिए ये जो वायर है इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, तो हम कहेंगे फर्स्ट वायर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर टू, सेकेंड वायर। अब देखो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनसाइड है, करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, दोनों में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट ऊपर को है, दोनों में ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहां करंट और मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एंगल 90 डिग्री आ गया, और इसी तरह हमारे पास यहां पर आएगा। अब हम देखेंगे कि फोर्स किस तरफ लग रही है। अगर हम देखें इस डायग्राम को, अगर हम देखें इस तरह एक वायर, दोनों वायर्स ऊपर जा रही है, अगर टॉप से देखें तो हमारे पास क्या होगा, करंट कैरिंग वायर्स किस तरफ होगी, इस तरफ, करंट कैरिंग वायर्स किस तरफ होगी, इस तरफ ऐसे होगी, राइट। तो हम कहेंगे कि यहां जो टॉप से अगर देखें तो हमारे पास करंट आई वन ये आ गया, करंट आई वायर ये आ गई, राइट। अब वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, अब देखिए हमारे तब अगर टॉप से देखेंगे तो इस तरफ आएगा, है ना, तो यहां हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स किस तरह बन जाएंगे, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऊपर को आ गया, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे को आ गया, और दैट मींस ये जो आई टू है, आई टू के ऊपर जो फोर्स लग रही है, दिस इज आई टू, है ना, करंट बाहर की तरफ है, तो यहां हमारे पास आई वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया, बी वन ऊपर को, ऐसे हो गया ना। तो अब हम किस तरह देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, दो वायर्स इस तरह आ रही हैं, तो अब ये दो वायर्स इस तरह है, यहां का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना, और इसी तरह ये जो सेकंड वायर है, इस वायर की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे को गया, दैट मीन ये जो वायर पड़ी है आई वन है, फर्स्ट वायर है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का हो गया ये 90
P2 इस तरफ आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, करंट किस तरफ है? आपकी तरफ है, तो अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ होगी? देखिए इस तरफ। दैट मीन्स यहां पर जो फोर्स लगेगी सेकेंड वायर के ऊपर, फोर्स किस तरफ लगेगी? इस तरफ। तो ये आ गया सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी। और सिमिलरली अब देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को हो गया, करंट आपकी तरफ हो गया। देखिए करंट आपकी तरफ हो गया और अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मेरी तरफ, टुवर्ड्स राइट। तो यहां जो फर्स्ट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कर, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड करके फोर्स लगेगी, वो किस तरफ लगेगी? इस तरफ, टुवर्ड्स राइट। अब देखिए ये जो दो फोर्सेस है दे आर अट्रैक्टिव हो गए, दोनों वायर्स क्या होगी? दोनों वायर्स के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी और दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये तो हो गया टॉप से। अगर इसी को दोबारा देखें, देखिए यहां मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गया, करंट किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ, लेफ्ट साइड को। दैट मीन यहां जो फोर्स लगेगी सेकेंड वायर के ऊपर फर्स्ट वायर की वजह से, तो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। करंट किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। इस तरह देखिए करंट, यहां देखना करंट, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। इस तरह आ गया ना, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया? बाहर की तरफ, करंट ऊपर को जा रहा है और अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स राइट। तो यहां हमारे पास जो फोर्स लगेगी ये इस तरफ आ जाएगी। सो दिस इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकेंड। तो यहां क्या है, देखिए फोर्स ऑन द सेकेंड वायर क्या होगी? फोर्स ऑन द सेकेंड वायर इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन तो हमें पता लगी, अट्रैक्टिव हो गई। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, करंट ऑफ द सेकेंड वायर, लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, एल इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर। सो एल इज द लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, ये आ जाएगा। तो इन दोनों में एंगल कितना था, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में, तो एंगल 90 डिग्री है। तो यहां थीटा की वैल्यू इज 90 डिग्री, साइन थीटा 90 इज 1। तो हमारे पास ये आ गया। अब इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है भाई, है ना, जो ये वायर है ये भी हमने इनफाइनेटली लॉन्ग वायर ली है, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर ली है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फर्स्ट वायर का? सो दिस इज म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया, फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर, बी वन की वैल्यू यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर आई टू इंटू एल। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, राइट। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड वायर, राइट। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन द, सो फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर, राइट। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकेंड वायर। सो वी विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली। अब देखो फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड आ गया, करंट ऑफ द फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड वायर इंटू लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर। तो हमारे पास यहां बी टू की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना है
और ये आई टू की वजह से यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड बी टू देखना है, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर। तो अगर हम ये बी की वैल्यू यहां भर दें तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकेंड वायर, दिस इज आई वन म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर इंटू एल। यह हमारे पास फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकेंड वायर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर इंटू एल, राइट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट लेंथ की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ जाएगा फोर्स, चाहे ये आ गया, दिस इज म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू बाई आर। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर इज म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू बाई आर। सो दैट मीन्स ये वायर जितनी फोर्स इसके ऊपर लगाएगी उतनी फोर्स ये वायर इसके ऊपर लगाएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो वी कैन राइट फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर इट वेक्टर फॉर्म इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। सो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सेम, राइट। ये आ जाएगा। अब देखो, अगर यहां हमारे पास ये पैरेलल करंट्स आ गए ना, ये हमारे पास पैरेलल करंट्स आ गए, तो इसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो पैरेलल करंट्स है दे अट्रैक्ट ईच अदर। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अगर हम देखें एंटी पैरेलल करंट्स, मतलब एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरा करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, एंटी पैरेलल करंट्स, मान लो ये करंट एक पहली वायर में करंट अब नीचे की तरफ जा रहा है आई वन, और दूसरा करंट जो है दूसरी वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। सेपरेशन हम वही मान लेते हैं कि दोनों में सेपरेशन कितनी है, आर है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां देखना है ना, तो वही होगा फोर्स एफ सेकेंड वायर पर फोर्स किस की वजह से लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, एंड फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर किसकी वजह से लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड वायर, राइट। तो ये हमने देखना है, दैट मीन्स हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में है। तो ये करंट देखो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा, और इस इधर क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ये अब देखिए इस तरफ है, तो अगर हम देखेंगे इस तरफ है ना, तो इस ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर इस साइड देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, ठीक है, इस साइड देखना है मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। तो यहां हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड बी वन किस तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ, राइट। और इसका मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगा, देखो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो यहां देखना हमने मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां हमारे पास सेकेंड वायर की वजह से यहां हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी टू भी बाहर की तरफ आएगा, राइट। अब देखो, अब यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ है, करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसको हाथ को इस तरफ घुमा लिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया, करंट ऊपर की तरफ हो गया, फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। दैट मींस जो सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स लगेगी अब वो बाहर की तरफ लगी, पहले अंदर की तरफ लग रही थी अब बाहर की तरफ लगेगी, फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। अब इसी तरीके से अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है, करंट किस तरफ जा रहा है, नीचे को, तो हाथ को ऐसे घुमा लिया, करंट किस तरफ जा रहा है, नीचे को, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अंगूठे की डायरेक्शन। अगेन अगर हम यहां देखते हैं तो फोर्स अगेन बाहर की तरफ है,
तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो भी बाहर की तरफ लगेगी। सो अब देखिए एंटी पैरेलल करंट्स में जो हो गया, एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो फोर्सेस है दे आर आउटवर्ड, बाहर की तरफ लग रही है। तो यहां हमारे पास एक सिंपल सा पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्या आ गया, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। अब वही चीज है, तो फोर्स ऑन द ऑन वायर टू इज ड्यू किसकी वजह से होगी, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रही है पहले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। फोर्स ऑन द वायर टू इज ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, दैट मीन्स हम बात करेंगे फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड देखते हैं ना, डायरेक्शन तो हमें पता लगी गई है, मैग्नीट्यूड किस तरफ कितना आएगा। सो दिस इज करंट ऑन ऑफ द सेकेंड वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर। अब बी वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वही थी म्यू नॉट I1 upon 2 pi r। तो यहां हमारे पास ये B1 की वैल्यू यहां हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास आ गया फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट इज I2 mu not I1, हमारे पास क्या आ गया mu not I1 mu not I1 upon 2 pi r into L। तो यहां से हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर इंटू एल, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन द वायर फर्स्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड वायर। सो फोर्स ऑन सेकेंड वायर is due to the magnetic field force on the first wire आएगा, second wire तो हमने निकाल ली ना, force on the first wire is due to the magnetic field of the second wire, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, जहां वन लिखा वन टू लिख लेंगे, यहां टू वहां वन लिख लेंगे, दिस इज आई वन बी टू इंटू एल। तो वही हमारे पास फोर्स, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा म्यू डॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर इंटू एल। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, करके एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लग रही है। तो अगर हम यहां फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही आएगी, देखिए, क्योंकि ये टर्म देखो, ये म्यू नॉट आई वन आई टू यहां पर है, लेंथ इधर लिख ली, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। अगर हम बात करें यहां पर, तो ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू बाई आर, बट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगेन वी विल से दे आर इक्वल एंड एफ टू वन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू एफ वन टू, राइट। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स, राइट। अब देखिए ये हम यूटिलाइज करते हैं टू डिफाइन द करंट। अगर आपने प्लस वन में सात जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी तो वहां पर आपने वन एम्पियर की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, है ना। यहाँ जब हम करंट पढ़ रहे थे वहां पर भी आपने वन एम्पियर की करंट डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वो डेफिनेशन इसी करंट इसी कंसेप्ट से हम यूज करते हैं, राइट। अब देखो वो डेफिनेशन, करंट कितना हो सकता है, वन एम्पियर कितना करंट होगा, हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या है, दो करंट कैरिंग वायर्स मान लेते हैं,
दोनों में एक समान करंट फ्लो कर रहा है। मान लो इसमें भी आई कर रहा है और इसमें भी आई कर रहा है। इन दोनों में हमने क्या रख लिया, एक मीटर दूर में रख लिया। हम किसकी बात करेंगे, वैक्यूम या हम एयर की बात करेंगे ना। तो अब देखिए, तो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर ये है, बहुत ही पतली सी करंट कैरिंग वायर है, ये नहीं मोटी नहीं लेनी, बहुत पतली सी करंट कैरिंग वायर लेंगे। सो वी हैव टू थिन वायर्स हैविंग सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम, सेम करंट थ्रू देम, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, है ना। सो हम क्या लिखेंगे, टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स है, तभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर है ना। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैविंग सेम करंट थ्रू देम सेपरेटेड by a distance of 1 meter, right। अब हम बात करेंगे, ये जो वायर है एक इस एक मीटर टुकड़े के ऊपर, इस वायर के एक मीटर टुकड़े ऊपर हम बात करेंगे फोर्स किसके ऊपर, एक मीटर लेंथ के ऊपर, एक मीटर टुकड़े के ऊपर, इस वायर के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाएगा। तो हम बात कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया मैग्नेटिक फील्ड करंट ऑफ द सेकेंड वायर किसका आ गया, इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना, वो कितना आ गया, म्यू आई अपॉन टू पाई आर, राइट। अब देखो हमने क्या किया, क्रोनोमीटर करंट तो सेम है, ये आर भी हमने 1 मीटर लिया है ना। अगर आर हमने 1 मीटर लिया है और ये लेंथ कितनी ली है, ये भी 1 मीटर ली है, हमने एक मीटर के टुकड़े के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रहा है वो हमने देख रहे हैं, राइट। तो हम क्या करो, द फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, देखिए तो म्यू नॉट आई स्क्वेयर अपॉन टू पाई। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4π × 10⁻⁷। तो दैट मीन्स ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, सो ये हमारे पास आ गया 2×10⁻⁷ आई स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक मीटर वायर के ऊपर, इस वायर की वजह से इस पर फोर्स लगेगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखिए 1 एम्पियर की, तो हम कहते हैं इफ वी हैव टू थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैविंग सेम करंट थ्रू देम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एग्जर्ट्स अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ कितनी फोर्स लगनी चाहिए। अब देखो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, 2π × 10⁻⁷ आई स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 2×10⁻⁷ ले, तो हमारे पास क्या आएगी, 2×10⁻⁷ शुड बी इक्वल टू 2×10⁻⁷ आई स्क्वायर, है ना। तो ये कट गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, आई की वैल्यू होगी 1 एम्पियर, है ना, नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं। तो अगर ये वाली करंट कैरिंग वायर इसके ऊपर 1 मीटर के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है, 2×10⁻⁷ न्यूटन, है ना। सो इफ दे एग्जर्ट्स ए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2×10⁻⁷ न्यूटन, राइट, देन करंट इन द वायर इज सेट टू बी 1 एम्पियर। देखिए ये भी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इधर उतनी ही वैल्यू हमने फोर्स की रख ली, दोनों वैल्यूज कट गई, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर। सो देन वी से करंट इन द वायर्स इज 1 एम्पियर। तो तब हम कहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है,
कि क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू कितनी आई है, 2 × 10⁻¹। अगर दो वायर्स के ऊपर एक मीटर, एक वायर दूसरे वायर के एक मीटर टुकड़े के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी, 2 × 10⁻¹ न्यूटन फोर्स लगाएगी। हम एक मीटर ले रहे हैं ना, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी है, 2 × 10⁻¹ न्यूटन फोर्स लगाएगी, तो करंट हमारे पास कितना आएगा, 1 एम्पियर। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर रख दी हमने, ये कट जाएगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा। इसलिए हम डेफिनेशन यूज करते हैं 1 एम्पियर की इन दिस वे, राइट। बाकी हम